कन्नौज से बड़ी खबर जो R9 टीवी की खबर से बौखलाए ABS R9 टीवी की खबर से बौखलाए है अरविंद कुशवाहा। तो स्कूल के गेट पर चस्पा करवाया तुगलकी फरमान, बिना अनुमति स्कूल के अंदर जाने पर रोक। तो स्कूल में महज 2 महीने में बच्चों के स्वेटर फटे हैं। उमरदा क्षेत्र के मॉडल प्राथमिक स्कूल का ये पूरा मामला है। इस खबर को R9 टीवी ने बड़ी प्रमुखता से दिखाया था और जिसके बाद अब बौखलाता हुआ स्कूल प्रशासन जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। आप तस्वीर देख रहे हैं, ये बोर्ड यहां पर चस्पा किया गया था। संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, R9 टीवी की खबर से बौखलाए ABS से। जी बिल्कुल, बता दें आपको, R9 टीवी ने सबसे पहले ये खबर दिखाई थी जिसमें महज 2 माह पहले बच्चों को स्वेटर जो बांटे गए थे वो 2 माह के अंदर ही फट गए थे, जिसके बाद बच्चों की इस पीड़ा को R9 टीवी ने प्रमुखता से दिखाया था। लेकिन उसके बाद अपनी पोल खुलता देख विद्यालय प्रशासन और ABSA ने जिस तरह का तुगलकी फरमान वहां पर चस्पा कराया है, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि मीडिया का अंदर आना वर्जित है, बिना आज्ञा मीडिया अंदर नहीं आ सकती है, नहीं है। उसके बाद जो वहाँ के प्रधानाध्यापक हैं वो भी बोल रहे हैं कि ABSA द्वारा मौखिक रूप से आदेश दिया गया है कि किसी भी तरह की मीडिया को अंदर नहीं आने दिया जाए, किसी तरह की इसको जो बच्चों की समस्याएं हैं उनको किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी जाए, जो बच्चों के स्वेटर के बारे में समस्याएं हैं, जो उनके जूते वक्त से पहले फटने लगे हैं उनके बारे में किसी तरह की कोई जानकारी भी नहीं दी जाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कई बड़े सवाल खड़े होते हैं और सवाल कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर अमित इसलिए खड़ा हो जाता है क्योंकि जिस तरह से ये पूरी लापरवाही सामने आई, उस लापरवाही को छुपाने और दबाने की कोशिश इस पोस्टर के जरिए चस्पा कर तुगलकी फरमान के जरिए करने की कोशिश की गई। जी बिल्कुल, अब तो ये बिल्कुल पूरी तरह से साफ जाहिर हो रहा है कि अगर मीडिया द्वारा इस R9 द्वारा इस खबर को दिखाया गया था प्रमुखता से, बच्चों की समस्या थी तो बच्चों की समस्या को उठाया गया था, उसका निदान कर दिया जाता, क्योंकि DM ने कल एक आदेश भी कर दिया था कि संबंधित फर्म की अगर देखी जाएगी गुणवत्ता सही नहीं होगी, संबंधित फर्म का जो पैसा होगा उसको रोक दिया जाएगा। लेकिन जब खबर चल रही है तो ABSA साहब को इस बात में इतना क्यों बुरा लग रहा है, आखिर उनका इस मामले से क्या कोई गहरा संबंध है, ये भी अब सामने खुलकर निकल के आ रहा है। क्योंकि जिस तरह से मीडिया कवरेज पे रोक लगा दी गई है तो ये अपने आप में कई बड़े सवाल खड़ा करता है। जहां एक तरफ कहा जाता है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इसकी स्वतंत्रता की बात करी जाती है, तो कन्नौज में एक ऐसा ABSA है जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पे ही लगाम लगाने पे तुला हुआ है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक तरफ तमाम योजनाएं बच्चों को कहीं ना कहीं उनके हित के लिए जो है शुरू की गई है, दूसरी तरफ इस तरह से 2 महीने में स्वेटर फट जाना और फिर उसके बाद इस तरह का तुगलकी फरमान। तो इससे एक बात तो साफ जाहिर हो जाती है अमित कि कोई यहाँ पर एहसास नहीं अपनी लापरवाही का, अपनी गलती का। जहां जांच होनी चाहिए थी वहां इस तरह से तुगलकी फरमान यहां पर जारी कर दिया गया है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है क्योंकि अगर खबर को दिखाया गया है और समस्या है, बच्चों को समस्या है क्योंकि ठंड का मौसम है, ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर ठंड ज्यादा होती है, बच्चों की समस्या है, तो अगर फर्म से ये बात कर मीडिया पे इस तरह का फरमान लगाने के बजाय अगर संबंधित फर्म या जिसको इन्होंने टेंडर किया होता उसके ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई करते तो एक अलग बात होती, लेकिन मीडिया पर ही प्रतिबंध लगा देना ये अपने आप में शिक्षा विभाग के ऊपर कई बड़े सवाल खड़ा करता है। इसलिए क्योंकि अगर इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं तो कहीं ना कहीं ये इनके भी पोल खोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं इन अधिकारियों की भी मिली भगत हो सकती है, क्योंकि जब आप पोल खुलता हुआ देख रहे हैं तो ये बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।